नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज हम आपको सांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर सोनारी में जो स्तूप्स बने हुए हैं, सोनारी के स्तूप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोनारी के जो स्तूप्स हैं वो बेतवा और वैशाली नदी के मध्य बने हुए हैं। वैशाली और बेतवा इस क्षेत्र की दो नदियां हैं। बेतवा मुख्य नदी है जिसमें वैशाली आकर मिलती है, और इन दोनों के मध्य में ये सोनारी के स्तूप बने हुए हैं। सोनारी जो नाम है वर्तमान में, एक्चुअली तत्कालीन समय जब ये स्तूपों का निर्माण किया गया था, ये मौर्यकालीन स्तूप है, उस समय इस जगह का नाम सुवर्णगिरी था। सुवर्णगिरी पर्वत कह सकते हैं, और यहाँ पर सुवर्णगिरी यह पर्वत का नाम, इस स्थान का नाम इस स्तूपों के पास में स्तंभ के ऊपर एक गोल चक्र, धम्म चक्र लगा हुआ था जो गोल्डन था या गोल्डन भील के नाम से विख्यात था। उसी गोल्डन चक्र अर्थात धम्म चक्र के कारण ही इस स्थान का नाम सुवर्णगिरी पड़ा, जो कालांतर में सुवर्णगिरी से सोनारी में अपभ्रंशित हो गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुख्य मार्ग से लगभग थोड़ा अंदर है, 8-9 किलोमीटर अंदर पड़ती है और जंगल में बनी हुई है। बड़ी शांत माहौल है यहाँ पर। यहाँ पर जो सबसे मुख्य स्तूप है उसका जो व्यास है 48 फीट है, और जो स्तूप के चारों ओर इसको चार दीवारी से घेरा गया है, वो चार दीवारी की भुजा 240 फीट की है। मतलब 240x240 के चार दीवारी से यह मुख्य स्तूप घिरा हुआ है। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मुख्य स्तूप के पास ही स्तूप क्रमांक 2 है। इस स्तूप का जो व्यास है वो 27.5 फिट है, और इस स्तूप को भी चार दीवारी से घेरा गया है। चार दीवारी का जो भुजा है वो 165 फिट लंबी है, चौकोर बनी हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है। इसके अलावा स्तूप क्रमांक 3, इसका जो व्यास है 15.5 फिट है, और स्तूप क्रमांक 2 छोटे छोटे स्तूप देखिए 5 है, इसका जो व्यास है वो 14.5 फिट है। इनके अलावा यहाँ पर और भी स्तूपों के अवशेष मिले हुए हैं। टोटल यहाँ पर 8 स्तूप प्राप्त हुए हैं। स्तूप क्रमांक 1 के परिसर के में लगी हुई एक मोनेस्ट्री भी बनी हुई है और ही संरक्षित कर दी गई है। यह क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत है। इन स्तूपों से यहाँ हमें अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्तूप क्रमांक 1 से स्तूप क्रमांक 1 को घेरे हुए भी एक रेलिंग थी, बुद्धिस्ट रेलिंग थी। एक्चुअली जो वेदिका होती है स्तूप को घेरे रहती है, सांची की भांति यहाँ भी वेदिका से स्तूप घिरा हुआ था, जिसे बुद्धिस्ट रेलिंग कहा जाता है। बुद्धिस्ट रेलिंग के ऊपर यहाँ पर 2 अभिलेख मिले थे। इन पर अभिलेखों पर जो हमें अभिलेख यहाँ प्राप्त होते हैं, इसमें आपको पढ़कर बताता हूँ। अभिलेख क्रमांक 1 था, उस पर लिखा हुआ था, आए पसन कस अते बासिनो धमगुतस नव कमियस दानंग। अर्थार्थ अरे पसन कस के शिष्य नवागत धमगुत का दान। धमगुत या धमगुप्त, एक्चुअली गुप्त जो शब्द है बाद में गुप्त में अपभ्रंशित हुआ है। दूसरा अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, आए पसन कस अते बासिनो संग रखितस भिक्षुनो दानंग। अर्थार्थ अरे पसन कस या अरे पसनक के शिष्य संग रखित का दान। इन दो अभिलेखों के अलावा यहाँ पर जो स्तूप क्रमांक 2 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है। इस स्तूप के अंदरूनी भाग से, गर्भगृह से यहाँ पर बहुत बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। इन अवशेषों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनमें
जो अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उन बौद्ध भिक्षुओं के कुछ अवशेष हमें सांची के स्तूप क्रमांक 2 से भी प्राप्त हुए हैं। सांची के स्तूप क्रमांक 2 जो पहाड़ी के निचले भागों में बना हुआ है और स्तूप क्रमांक 2 जो सोनारी में भी बना हुआ है, यहाँ के स्तूप में जो अस्थियाँ जो अवशेष बौद्ध भिक्षुओं को प्राप्त हुए हैं उनमें समानता हमें देखने को मिलती है। मैं जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ पर 5 भिक्षुओं के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ। पहले है सपू, जो अभिलेख है उसको पढ़कर बताता हूँ। सपूरिसस गोतिपुतस सब हेम्बत गोतिपुत या गोतिपुत्र या गोतिपुत्रा, जो हेम्बंत या हेम्बत हिमालय क्षेत्र के प्रभारी थे उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख के साथ साथ ये रिलिक्स प्राप्त हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोतिपुत्रा या गोतिपुत्र, ये इनका नाम बार बार हमें देखने और सुनने को मिलता है। दूसरा जो अभिलेख मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर देखिए, सपूरिसस मज्जिमास कोडिनीपुतस, अर्थात कोडिनी के पुत्र मज्जिमा के अवशेष। तीसरा जो यहाँ पर अभिलेख मिला है, सपूरिसस कोतिपुतस कासप गोतस सब हेमबता चरेयस, अर्थात अखंड हेमबत या अखंड हिमालय क्षेत्र के प्रभारी कासप गोत के पुत्र कोति के अवशेष। मतलब अखंड जो हेमबत है, हिमालय है, इस क्षेत्र के प्रभारी थे, मिशनरी थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक थे कासप गोत, कासप गोत के पुत्र कोति के अवशेष यहाँ पर हमें मिले हैं। और चौथे हैं जो अभिलेख है, सपूरिसस कोशिकी पुतस, अर्थात कोशिकी पुत्र के अवशेष। अगला अभिलेख हम लेते हैं, सपूरिसस अलाव बगीरस, अर्थात अलाव गिर के अवशेष। सपूरिसस अलाव गिर के अवशेष यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है और इन्हें संरक्षित, ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है। और जब भी आप सांची जाएं तो यहाँ पर जरूर देखने जाएं, संरक्षित स्मारक हैं सांची भोपाल जो मुख्य मार्ग है, सलामतपुर के आगे से यहाँ पर अंदर को रास्ता जाता है, वहाँ से आप आसानी से पहुँच सकते हैं। स्तूपों के जस्ट नीचे जो पहाड़ी यहाँ से शुरू होती है वहाँ तक आपकी गाड़ी पहुँच सकती है, गाड़ी से खड़े होकर मात्र 100 मीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर आप पैदल जाएंगे तो आपको स्तूप परिसर में आप पहुँच जाएंगे और आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत ही आत्म शांति आपको महसूस होगी। दोस्तों देखते रहिए, फिर हम दोबारा किसी और अन्य जगह के स्तूपों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।